वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वीडियो है, नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो हमारे चैनल पर मिलती हैं। तो आपको एक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब नाम का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कोने के अंदर सब्सक्राइब नाम का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना और इस बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर प्रकार की इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है वो हमारे चैनल पर मिलती हैं और हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की क्लासेस हमारे चैनल पर मिलती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग अधिकारी और राजस्थान फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के बारे में। राजस्थान नर्सिंग अधिकारी यानी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई हैं और राजस्थान फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ आई हुई हैं। उनकी क्वालिफिकेशन, एज, कितनी वैकेंसी आई हैं और अप्लाइड प्रारंभ डेट और एंड डेट कितनी है। तो इसलिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड वाले बटन पर क्लिक कर लेना और इस बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, क्योंकि हर प्रकार की जो गवर्नमेंट जॉब होता है उनका इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलता है। तो हम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो प्रारंभ में बात करते हैं वैकेंसियों की कि टोटल है वो कितनी वैकेंसी हैं। टोटल है वो आपकी 3303 पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हैं 1289 हैं, यानी नर्सिंग ऑफिसर की, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कितनी है 1289। तो इसमें आपको क्या चाहिए, आपको 10+2 चाहिए और क्या चाहिए, GNM चाहिए, ठीक है। और ये रजिस्टर होना चाहिए किसमें, राजस्थान की जो नर्सिंग की जो होती है ना कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपके राजस्थान से की हुई होनी चाहिए। 10+2 सेकेंड सीनियर सेकेंडरी विद होनी चाहिए GNM, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड इन राजस्थान। और आपके पास क्या होना चाहिए, नर्सिंग होनी चाहिए और जो भी मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हम है वो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन राजस्थानी जो जो सरकार है उसके द्वारा जो ऑफिशियली जो नोटिस जारी किया गया है नोटिफिकेशन, वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर छोड़ देंगे, तो आप उसमें देख लेना। तो इसलिए टेलीग्राम के चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहाँ पर जाकर आप है उसे ज्वाइन कर लेना। फिर नेक्स्ट बात करें, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो 2020 वैकेंसी हैं, 2020 वैकेंसी हैं। तो राजस्थान फार्मासिस्ट की वैकेंसी कितनी है, 2020 वैकेंसी हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए इन फार्मेसी। तो आप मतलब अगर आपने फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा है तो आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी को आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नर्सिंग ऑफिसर की जो 1289 वैकेंसी हैं उसमें आपको GNM चाहिए, नर्सिंग चाहिए। और बात करें फार्मासिस्ट की, तो जो डिप्लोमा होता है ना फार्मेसी में, तो फार्मेसी में डिप्लोमा किया होना चाहिए और वो रजिस्टर होना चाहिए राजस्थान की जो सरकार में, ठीक है ना। तो मतलब राजस्थान में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो एलिजिबिलिटी है वो आपके नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब कितनी तारीख से स्टार्ट होगा, 24/11/2022, यानी 24 नवंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। और आपकी जो लास्ट डेट है वो 23/12/2022 है, 23 दिसंबर 2022, ठीक है। और जो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है। और एडमिट कार्ड की बात करें तो वो है वो आपके एग्ज़ाम से पहले 5 या 10 दिन पहले आपको मिल जाएंगे।
फिर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल की 500 है, 500 रुपये। OBC और EWS की 350, SC ST की 250। अगर आपने कोई फॉर्म में मिस्टेक कर दी तो करेक्शन चार्ज है 200 रुपये। और आप है पेमेंट हो कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे नेट बैंकिंग हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें जो राजस्थान नर्सिंग या फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उसके लिए एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है वो काउंट कब से काउंट की जाएगी, 1/1/2023 से काउंट की जाएगी, मतलब उससे पहले कितनी है, ठीक है, उसके बाद कितनी हो जाएगी। तो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स चाहिए, यानी मिनिमम है वो 18 साल और मैक्सिमम है वो 40 साल होनी चाहिए। फिर एज रिलैक्सेशन है वो राजस्थान स्वास्थ्य विद्या नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट रोल्स, यानी जो राजस्थान जो नर्सिंग ऑफिसर एंड जो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट है उसमें जितनी छूट है OBC SC ST EWS में दे रखी है वो उसमें ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करें अगर हम जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स की बात करते हैं, जो राजस्थान फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की जो जो कैटेगरी वाइज देखते हैं कि ARR में कितनी है, UR में, EWS, OBC, MBC, SC ST में कितनी वैकेंसियां हैं, तो पहले बात करें नर्सिंग ऑफिसर की, तो नर्सिंग ऑफिसर में नॉन TSP के अंदर कितनी वैकेंसियां हैं, UR रीजन में तो 455 वैकेंसियां हैं, EWS की 124 हैं, OBC की 169 हैं और MBC की 62 हैं, SC की 197 हैं और ST की 148 वैकेंसियां हैं। ये जो OBC के वो 269 वैकेंसी हैं, टोटल जो 1250 वैकेंसी किसकी हैं, नर्सिंग ऑफिसर की। नेक्स्ट बात करें फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट में दो एरा हैं, एक तो नॉन TSP है और एक TSP है। तो पहले बात करें नॉन TSP की, तो नॉन TSP में UR रीजन में कितनी कितनी है, 634 वैकेंसी और EWS में 174, 174, OBC में 363, MBC में 86, SC में 276, ST में 206, टोटल कितना है 1746 वैकेंसी हैं। फिर नेक्स्ट बात करें टी एस पी एरिया में बात करें तो UR में 91 और SC में 9, ST में 81, टोटल 181, ठीक है। दोबारा देखते हैं TSP में कितनी है, UR में 91, EWS में 0, OBC में 0, MBC में 0, SC में 9, ST में 81, टोटल 181 वैकेंसियाँ हैं। नेक्स्ट बात करें राजस्थान फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब तक भरे जाएंगे, तो ये आपके 24 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक भरे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें जो क्वालिफिकेशन की बात करें, जो राजस्थान फार्मासिस्ट जो रिक्रूटमेंट है एजुकेशन उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, तब उसमें क्या चाहिए आपको, विज्ञान वर्ग में कक्षा 12 उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके अलावा अभ्यर्थी के पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा क्या होना चाहिए फार्मेसी के अंदर। नेक्स्ट बात करें एज लिमिट है वो 18 से 40 ईयर है और जो SC ST में और OBC में जो छूट है उनमें एड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें जो राजस्थान फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट या नर्सिंग ऑफिसर है उसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट कितना, 24/11/2022, 24 नवंबर 2022, और जो एंडिंग डेट है लास्ट डेट है वो कितनी है, 23 दिसंबर 2022। नेक्स्ट बात करें जो एप्लीकेशन फीस है वो आवेदन जो राजस्थान फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2022 या नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन शुल्क किस प्रकार से रखा गया है,
तो आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रोसेस है आपका पहले क्या होगा, यानी जो राजस्व फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव दोनों के आधार पर की जाती है। तो फार्मासिस्ट के पद हेतु आवेदक की चयन लिखित परीक्षा बोनस अंकों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि फार्मासिस्ट भर्ती में 70% होगी। वही अनुभव में 30% अंक जोड़े जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी का प्रतिशत और फार्मासिस्ट में डिप्लोमा डिप्लोमा डिग्री का प्रतिशत मिलाकर दोनों में दो का भाग दिया जाता है जाएगा। अधिकतम 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। 1 साल के 10 नवंबर, 2 साल के 20 नवंबर, 3 साल के 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। फार्मासिस्ट भर्ती में वरीयता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यह आप देख सकते हैं जो राजस्थान फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब जो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट है, फार्मासिस्ट वैकेंसी में उनका ये प्रोसेस दे रखा है। नेक्स्ट बात करें, जो ऑनलाइन आवेदन कब तक भरे जाएंगे आपके, 24 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक। तो इसलिए हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर प्रकार की न्यूज़ हमारे चैनल पर मिलती हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।